डेथ टाइम ऑफ ईयर, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। डेथ टाइम ऑफ ईयर इज 73rd सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जो है 73वां सोनेट हो गया। द सोनेट फोकसेस ऑन द एंजाइटी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, मतलब जब हम बूढ़े होते हैं, हमारी उम्र ढलती है, तो हम उसके साथ साथ हमारी चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं, उसी एंजाइटी को दिखाता है यह सोनेट जो है। द पोएट हैज़ गिवन वेरियस एग्जाम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं ऑफ द पासिंग ऑफ टाइम, यानी जो हमारा वक्त जो बीतता है उसके बहुत सारे उदाहरण, या फिर कह सकते हो कि बुजुर्ग जो वृद्धावस्था में जो उम्र बिताने के जो तरीके होते हैं, लोग कैसे अपना वक्त बिताते हैं बुजुर्ग होने के पर, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। द थीम ऑफ द पोएम इज क्वाइट यूनिक, अनोखा सा थीम है इसका, इस पोएम का। द पोएट हैज़ यूज्ड मेटाफर, मेटाफर जानते होंगे, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारा होता है, जैसे सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने मेटाफर का जो है यूज़ किया है। टू शो द हरीनेस, हरीनेस मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी ऑफ द टाइम, यानी मतलब बुढ़ापे में एक तरह से बहुत ही जल्दीबाजी होती है, लाइक जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, कई तो इतने भी होते हैं कि जल्दी से मर जाना चाहते हैं। दिस मेटाफर रेफर्स टू द रैपिड रेट ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, यानी जो बूढ़े होने के जो द्रुत गति को बताता है। देखो, इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में द नरेटर कंपेयर्स himself, वो अपनी तुलना करते हैं टू द लेट ऑटम सीजन। ऑटम सीजन के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ऑटम सीजन यानी जो हेमंत ऋतु या पतझड़ का मौसम जिसको कहते हैं, जिसमें कि पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, यानी एक बूढ़ा भी वैसा ही होता है जैसे कि एक बूढ़ा पेड़, या फिर ऑटम के सीजन में जो एक पेड़ होता है ठीक वैसा ही, बिना किसी पत्ते के बिल्कुल पत्ती विहीन हो जाता है। द स्टांजा स्टार्ट्स बाय सेइंग, स्टांजा की शुरुआत होती है, दैट टाइम ऑफ ईयर व्हेन द ट्रीज हैव बिगन टू लूज देयर लीव्स एंड द कोल्ड वॉज एंटरिंग, मतलब कह रहे कि साल का वह समय जब जो है पेड़ से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और ठंड गिरनी शुरू हो जाती है, यानी ऑटम के खत्म होने के साथ ही जो है विंटर की शुरुआत भी हो जाती है। Some scholars suggest that the metaphor has been used to describe steadiness of the human body. यहाँ पर इन्होंने एक metaphor के तौर पर use किया है, यानी tree को compare किया है human body से, मानव के शरीर से, यानी एक वृद्धावस्था में एक इंसान का शरीर वैसा ही हो जाता है जैसे कि autumn season में एक पेड़ रहता है। And some other scholars take this metaphor as a possible illusion, which is baldness. मतलब कुछ जो critics हैं वो इसको ऐसे भी मानते हैं, baldness मतलब गंजापन होता है, यानी जिस तरह से कि पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं ना, उसी तरह से हमारे शरीर से बाल भी, खलगल के सिर से बाल झड़ने लग जाते हैं। एज वी मूव फर्दर, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वी सी दैट द पोएट इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ ऑफ शॉर्टर एज, मतलब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि कवि मान रहे हैं कि वो, या नरेटर इसके जो स्पीकर हैं वो मान रहे हैं कि उनकी उम्र बहुत कम है, यानी कह सकते हैं वैसे भी ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही कम समय का होता है। द नरेटर सेज दैट ही इज़ इन द ट्वाइलाइट जोन। ट्वाइलाइट जोन क्या होता है? ट्वाइलाइट को कहा जाता है एक शाम की बेला, गोधूली की बेला, जिस समय नहीं होता है कि शाम भी होने, रात भी आने को होता है, दिन ढलने को होता है, यानी अच्छा वक्त खत्म होने को होता है ना, तो वही ट्वाइलाइट जोन कहा गया। हिज सनसेट है ना, क्या है यहाँ पर कि हिज सन हैज सेट, उसका सूर्यास्त हो चुका है, एंड डेथ इज सून, और मृत्यु निकट है, नज़दीक है, अपॉन हिम, बिल्कुल नज़दीक है। आगे बढ़ें, तीसरे स्टांजा में देखें तो इन द थर्ड स्टांजा द पोएट रियलाइजेस, कवि को एहसास होता है, डैट देयर इज समथिंग विच इज परमानेंट, कुछ तो है जो कि परमानेंट है, अस्थाई है, परमानेंट मतलब अस्थाई। ही सेज दैट ए फायर इज नॉट रीबोर्न फ्रॉम इट्स एसेज, मतलब कह रहा है कि, और ये भी कहते हैं कि ठीक है परमानेंट तो है, लेकिन बॉडी किस तरह से, बॉडी या एक हमारी यूथ होती है, युवापन जो होता है, यंग जो हम होते हैं, वो एक आग की तरह होता है, एक बार बुझ जाए तो दोबारा लगनी, मतलब कभी आग, राख से में कभी आग लगेगी क्या, नहीं ना, वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि ए फायर इज नॉट रीबोर्न फ्रॉम इट्स एसेस, यानी किसी राख से आग को फिर से पैदा नहीं किया जा सकता। एंड इट सजेस्ट दैट ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एट द एंड, और वो मानते हैं कि वो राख वाला स्थिति में आ गए हैं, मतलब उससे फिर अब आग नहीं निकलेगा, यानी उसकी जवानी फिर से, यूथ फिर से वापस नहीं आएगी। टाइम इज़ एवरीथिंग, समय, वक्त सब कुछ है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वक्त की कवि के अनुसार। टाइम इज़ डेथ, यानी वक्त मृत्यु भी है, स्वाभाविक है, समय ही सब कुछ देता है। टाइम इज़ एनिमी, वक्त दुश्मन भी है। टाइम इज़ द क्रिएटर,
टाइम ही हमें बनाता है एंड टाइम इज़ द डिस्ट्रॉयर, और टाइम ही हमें ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय नस्ते नाबूद कर देता है ऑफ लाइफ. इन द क्लोजिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, अब आखिरी की पंक्तियों में देखें तो द पोएट सजेस्ट टू स्प्रेड लव एमंग द पीपल, यानी लोगों के बीच प्यार फैलाने की बात करते हैं. बिकॉज लव मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, क्योंकि प्रेम हमें क्या करता है, मजबूत बनाता है. ही इज़ क्लियरली एक्सेप्टिंग हिज इनएविटेबल फेट. इनएविटेबल मतलब होता है अटल, ठीक है, जिसे जो टल नहीं सकता, मतलब वो अपने भाग्य को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो. स्वाभाविक है भाग्य को बदल तो सकते नहीं, यानी यहाँ पर फेट का मतलब क्या है, ओल्ड एज, बुढ़ापा, डेथ, मृत्यु एंड इटर्नल सेपरेशन. सेपरेशन में यहाँ पर ए हो जाएगा, SEPA, सेपरेशन फ्रॉम द फेयर लॉर्ड. मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अलग होना हो गया, सेपरेट होना, डबल पी नहीं होगा, सिंगल पी होगा, यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब स्वीकार कर रहे हैं वो. इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम द फेयर लॉर्ड. फेयर लॉर्ड कहा गया यहाँ पर शरीर से, शरीर से आत्मा का अलग होना. दिस सोनेट इज़ ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ शेक्सपियर्स सिंबोलिज्म, शेक्सपियर के सिंबोलिज्म एंड फिगरेटिव लैंग्वेज का एक जो है अच्छा सा उदाहरण है. आगे इसमें बढ़ें तो दिस सोनेट इम्फेसाइजेज द हार्श ओल्ड एज, यानी कह सकते हो बहुत ही कड़वे जो बुढ़ापा जो होता है, बहुत दर्दनाक होता है, तकलीफदेह होता है. ऑल दो द स्पीकर फेल्स टू कन्फ्रंट द फुल स्कोप ऑफ हिज प्रॉब्लम, हालांकि वो अपने पूरे समस्याओं का जो है कह सकते हैं सॉल्व नहीं कर पाता. कन्फ्रंट मतलब सामना करना ऑफ हिज प्रॉब्लम. द स्पीकर सेज दैट, कवि कहते हैं कि यूथ विल नॉट कम अगेन, कि युवापन फिर से वापस नहीं आएगा. बट ही हैज़ टू एक्सेप्ट द ओल्ड, लेकिन बुढ़ापा भी तो स्वीकार करना है उसको. फॉर द स्पीकर, स्पीकर के लिए यूथ इज सिग्निफिकेंट, यानी युवापन क्या है उसके लिए महत्वपूर्ण है. फॉर बोथ इट्स ब्रिलियंस एंड डिस्पोजिशन, यानी युवापन में क्या होता है, हम बहुत एक्टिव होते हैं, बुद्धि हमारा अच्छे से काम करता है, विजडम होती है हमारे पास, एंड डिस्पोजिशन मतलब कोई भी काम को लेकर हम अच्छे से कर पाते हैं. ही फील्स डोमिनेंट ऑफ हिज ओल्ड एज, उन्हें लगता है कि बुढ़ापा उन पर हावी हो गया है. नहीं होता है, मतलब पूरे बूढ़े हो गए हैं, वो कुछ करने में सक्षम नहीं है. द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड His thoughts of his own mortality, मतलब उन्होंने उनके मन में जो विचार हैं mortality को लेकर, mortality मतलब क्या, मरणशीलता या नश्वरता, है ना. This sonnet contains a common theme, इसका जो theme है काफ़ी common है, including the physical and mental well-being, यानी शारीरिक और मानसिक जो well-being, यानी स्थिति जो कह सकते हैं. The poet addressed the sad truth, यानी कवि ने एक बहुत ही कड़वा सच कह सकते हैं, दुखी वाला सच कह सकते हैं, बताया है. दैट टाइम विल हैव द सेम इफेक्ट्स ऑन द यंग मैन एंड द पोएट एज वेल, मतलब सब पर जो है, चाहे कोई यंग मैन क्यों नहीं हो, जैसा कि पोएट के साथ हुआ है उसके साथ वैसा ही होगा सबके साथ, सब एक दिन बूढ़े होंगे. दिस सोनेट इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस वर्क्स, यानी सोनेट्स कह सकते हैं, यानी बहुत ही चर्चित सोनेट्स में से एक है. इन दिस सोनेट, इस सोनेट में द पोएट हैज़ डन बोथ ट्रिमेंडस प्रेज, प्रशंसा भी की है, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, तारीफ भी करी है, एंड शार्प क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी की है, बहुत ही खतरनाक आलोचना भी की है. सिंस द फंडामेंटल इमोशन इज सेल्फ पिटी, मतलब क्या, ये इसका जो इमोशन है क्या है, सेल्फ पिटी मतलब अपने आप पे दया आना, पिटी मतलब दया होता है, अपने पे लाइक कह सकते हो तरस खाना, है ना. एंड इट इज़ नॉट एन अट्रैक्टिव इमोशन, और ये कोई अच्छा इमोशन भी नहीं होता है. खुद पे तरस खाना मतलब क्या, आप खुद से खुश नहीं है, यही ना. बट इट इज़ गुड इनफ इंस्टेड ऑफ बैड वन, स्वाभाविक है, बुरे से तो अच्छा है, मतलब अपने ही को तो बुरा कर रहा है, किसी और को तो नहीं कर रहा, इससे तो अच्छा है. द पोएटिक फीचर, इसके पोएटिक फीचर्स हैं, जैसे कि इमेजरी हो गया, इमेजरी पर्सनिफिकेशन हो गया, है ना, मेटाफर हो गया. राइमिंग ऑफ दिस पोएम इज़ अबाउट मोरलिटी एंड ए मैसेज टू लाइफ, यानी एक जीवन को एक संदेश दे रहा है मोरलिटी का, कि हमें जो है गुमान नहीं करना चाहिए, प्राइड नहीं होना चाहिए हमें, किस चीज़ का, यूथ का, या फिर जो हमारे अंदर जो विगरिटी जो होती है, या फिर पावर जो होता है, उसको लेकर हमें कभी प्राउड नहीं होना चाहिए. हाँ, वो क्योंकि वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है. दैट्स इट, थैंक यू.